हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा, अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर, चेहरे पे पिंपल्स निकलने लगे, दाने निकलने लगेंगे, तब हम जानेंगे कि तुम जवान हो गए हो। ये चीज तो आपने भी सुनी होगी, आपके आसपास कई बार ऐसा कोटेशन सुनने को मिला हुआ होगा। हाँ, ये बात सही है कि अक्सर ये लोग कहा करते थे कि जवानी में ही आपके चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, बट आज के इस पॉल्यूशन वाले जमाने में ये बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती। कुछ कुछ जरूर सही बैठती है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो आपके चेहरे पे पिंपल्स लेकर के आता है, और ऐसी कौन कौन सी दवाइयों में से एक दवाई कौन सी है आज के वीडियो में जो कि आपके इस पिंपल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी काफी मदद करती है। क्या हम सही दवाइयों का सही यूज कर रहे हैं या हम सही दवाइयों का भी गलत यूज कर रहे हैं जिससे हमें इफेक्ट नहीं मिलता, तो आज के वीडियो में आपको इनकी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इसका नाम है एरिटॉप जेल, और बेसिकली ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारा मेन जो ड्रग है वह क्लिंडामाइसिन है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि समझना बहुत आसान हो जाए। पिंपल्स क्या होते हैं? पिंपल्स कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस से है जो कि आपके चेहरे के ऊपर निकलने लगते हैं और इससे आपकी खूबसूरती पे असर पड़ता है। हालांकि इसका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉस्मेटिक इश्यू होने की वजह से ये हमारे मोरल पे, कॉन्फिडेंस पे डाउन लेकर के आता है। क्या आप ये जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? उसको समझने के लिए सिंपल सा प्रैक्टिकल करिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप जो भी टूथब्रश यूज करते हैं उसको लेकर के आइए, उसके ब्रिसल्स को अंगूठे से थोड़ा सा तिरछा करके फैलाइए, तो उसको आपके नीचे कुछ व्हाइट व्हाइट जमे हुए नजर आएंगे। जहां से ब्रश निकल रहा है, रेशा निकल रहा है, वहां पे नजर आएंगे। तो ये ब्रिसल्स पे व्हाइट जमा हुआ सब्सटेंस आपके टूथपेस्ट का रेसिड्यू है। वैसे ही हमारे स्किन के चेहरे पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र, रंध्र होते हैं, और ये खुली हवा को मूव कराने में, कुछ ऑयल्स के अंदर से बाहर निकलने में काफी यूजफुल होते हैं। ऑयल आपके चेहरे से नेचुरली निकलता रहता है ताकि आपके चेहरे की जो लश्चर है, मॉइस्चर है, वो दोनों मेंटेन रह सके, इरिटेट ना करे, ड्राई ना हो जाए। लेकिन कई लोगों के में ये स्किन के अंदर से जो ऑयल निकलता है वो कुछ ज्यादा ही निकलने लगते हैं, और जब ऑयल बाहर निकलेगा तो आपको पता है कि ऑयल डर्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब कभी भी हम किसी मैकेनिकल पार्ट, मशीन में, गाड़ी में ऑयल लगाते हैं ताकि वो अच्छे से ल्यूब्रिकेट हो सके, वो तो होता है, बट देखते हैं कि धूल में जाने पे वो धूल पूरा खींच लेता है। अब यहां पे क्या होगा कि आपके स्किन पे निकलने वाले ऑयल ने डर्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो वो पोर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं आपके बॉडी के लिए, वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसके ब्लॉक करने से जो अंदर के सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होते हैं, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है, और वहां पे धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन होगा, जो कई बार जिसको आप लोग बोलते हो कि एक दाने जैसा बनने लगता है और एक छोटी सी लकीर जैसे बनने लगती है। तो ये हमारे पिंपल्स का प्रॉब्लम है। अब ये जवानी से इसका क्या लेने देना है? इसलिए है क्योंकि जब हम यंग होते जाते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। यही हार्मोन्स ये इंडिकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि दैट यू आर गोइंग एडल्ट। आप उसको ये समझ सकते हो कि हमारे शरीर की संरचना के साथ साथ उस संरचना को एक्टिवेट करने के लिए जो फंक्शन काम करते हैं, मतलब एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन्स काम करते हैं, और उसी के साथ साथ चेहरे के बाल का, दाढ़ी का निकल करके आना, ये होता है। और मैंने जैसे कहा कि दाढ़ी निकलेगी तभी जब आप बड़े हो जाओगे, और यहां पे एज एक मैटर करता है दाढ़ी के रेस्पेक्ट में, तो ये दाढ़ियां निकलना, बाल निकलना एक प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि मेल में ये चीज समझ में आएगी, बट फीमेल में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर फॉलिकल तो है, भले वो डेवलप ना हो रहे हों, तो वहां से वो चीजें देखने को मिलती है। दूसरा, कई बार हम ऐसी चीजों को अपने फेस पे लगा लेते हैं जो आपके फेस के लिए सही नहीं है, जिसमें ऑब्वियसली कॉस्मेटिक के रूप में बात करोगे तो मेकअप वगैरह आ जाएंगे। ये मेकअप बॉडी के स्किन के लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए होते हैं। ये केमिकल्स आपको उस नेचुरल पोर्स को, नेचुरल सेल को डेड करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, फिर वो प्रॉब्लम आपको बाद में दिखने को मिलती है। जब तक आप एडल्ट हैं, जब तक आप मैच्योर इनफ हैं, तब तक आपकी स्किन उसको टॉलरेट करती है, बट बाद में उसका असर दिखने लगता है। उसके बाद एक और कारण यह है कि जब कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने चेहरे को उतना प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, या करते हैं तो अच्छी बात है, जिसके कारण से पोर्स को ब्लॉक करने वाले जो धूल के कण है वो आने लगते हैं, और आने के बाद या तो आप अपना फेस वॉश नहीं करते हो, या अगर आप फेस वॉश करते हो तो साबुन वगैरह का यूज करते हैं। आपको यह लग रहा होगा कि साबुन और फेस वॉश में क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम है। ऑब्वियसली दोनों का जो फिनोमिना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो बिल्कुल सेम है। दोनों सर्फेक्टेंट का काम करते हैं और डर्ट को बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन बात इतनी है कि आपने एक तरीके का यूज किया, आयरन समझते हो, प्रेस,
वो बड़ा डेडिकेटेड होता है। अगर आपने सूती के कपड़े को आयरन किया, गर्म करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने रेशमी कपड़े को गर्म से कर दिया तो क्या हाल होगा। बल वही चीज तो है, आपका ये रेशमी चेहरा, ये अगर आपने कोई साबुन से डिटर्जेंट जिसमें हार्ड होते हैं उसको अप्लाई करोगे तो वो डैमेज तो थोड़ा थोड़ा करेगा ही, ड्राइनेस करेगा। तो उसको उसी कोमलता के साथ मैनेज करने के लिए पीएच के अकॉर्डिंगली हमारे फेस वॉश आते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आप स्क्रब का यूज कर सकते हो, जो कि घर पर आसानी से बनाया जा सकते हैं, जिसको हम लोग उपटन बोलते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर लेता हूं आज के ड्रग का, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का। तो हमारा ड्रग है एरिटॉप, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लिंडामाइसिन। ये क्लिंडामाइसिन है क्या, इसका यूज कैसे करें, सही तरीका कैसा है, वो आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आपका क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, यानी कि ये दवाई आपके शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करने का काम करता है। याद रखिएगा, ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनली इसे नहीं यूज करना है। ये काम कैसे करता है, क्लिंडामाइसिन एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसका काम करने का तरीका प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। जो बैक्टीरिया आपके पर्टिकुलर पार्ट में ग्रो कर रहे हैं उनके ग्रो करने के लिए प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है, वो प्रोटीन का यूज अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अगर आप उनके किसी भी तरीके से प्रोटीन के बनाने के प्रोसेस को अफेक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और अगर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो उनका सर्वाइवल रेट डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से वो बैक्टेरियोस्टेटिक का काम करते हैं, और ये उनके काम करने का तरीका है। दूसरा, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिएगा। जब कभी भी इसे आप अप्लाई करना चाहें तो अल्टीमेटली आपके स्किन पे कोई भी ऑयल का रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, और आपको इस क्रीम को 2 बार अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, एक सुबह और एक शाम को, यानी कि रात को सोने से पहले। सबसे पहले लगाने के पहले आप अपने चेहरे को फेस वॉश से क्लीन कर लें, क्लीन करने के बाद टॉवेल से ड्राई कर लें। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टॉवेल आप अपने चेहरे को पोंछने के लिए कर रहे हैं, विशेष ध्यान रखिएगा कि वो टॉवेल केवल केवल आप ही यूज कर रहे हो और एक दिन से पुराना ना हो। अगर आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और एक ही टॉवेल को यूज कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें, क्योंकि इससे बहुत सारे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। वो कोई टॉवेल नम हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और बैक्टीरिया फंगस के ग्रोथ के लिए नमी वाला टॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी और का इन्फेक्शन आपके और आपका इन्फेक्शन किसी पे पहुंचेगा, इसलिए बेटर है कि एक ही टॉवेल को एक ही व्यक्ति यूज करें, और अगर आपने सुबह यूज किया, शाम को यूज किया, तो अगले दिन इसको दूसरा चेंज कर लें, साफ कर लें, इसका विशेष ध्यान रखें। डिटॉल जैसे जो बेसिक लिक्विड एंटीसेप्टिक लिक्विड है, उससे आप जरूर वॉश कर लिया करें। तो आपने अपने चेहरे को वॉश कर लिया, टिश्यू से वॉश कर लिया, टॉवेल से वॉश कर लिया, इसके बाद ड्राई अगर हो गया है, वेट पे ना लगाएं, तो उसी जगह पे इस क्रीम को या जेल को लगाएं जहां पे आपको प्रॉब्लम है। पूरे चेहरे पे नॉर्मल ब्यूटी क्रीम की तरह ना लगाएं, वरना आपके स्किन के लिए सही नहीं होगा। दूसरा, आप जब अप्लाई करें तो विशेष ध्यान रखें कि ये आपके आंखों के आसपास ना जाए। अगर आपकी आंखों के आसपास जाता है तो अच्छे से थोरली वॉश कर लें, वरना आपको इरिटेट करेगा, जलने का एहसास होगा। तो इस तरीके से आप इस क्रीम का यूज दिन में 2 बार कर सकते हैं, और ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनली कभी इसे यूज ना करें। इस टेबलेट को बनाने वाली कंपनी है यूएसवी। इसका जो बेसिक प्राइस है वह 146 रुपीस, वेरिएबल हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होगे तब। इसके बारे में कुछ बेसिक इंडक्शन दिया गया है, वह है डायरेक्शन कि अप्लाई ट्वाइस डेली ओनली ऑन द अफेक्टेड एरिया एट मॉर्निंग एंड नाइट, स्टोर एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट डू नॉट फ्रीज। इसको आप ऐसे जगह पर ना रखें जहां का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसे आप फ्रिज में रख दें। तो इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी मिली है कि इसका जो कैप है उसको यूज करने के बाद टाइटली यूज करें। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है कि अगर आप अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, अच्छे से वाटर का कंजप्शन करते हैं, तो ये पिंपल की प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सबसाइड जरूर हो जाएगा। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो इसलिए आप हेल्दी सैलेड वगैरह यूज करें, आपके फेस की रौनक अच्छी आए इसलिए आप सैलेड के साथ साथ कुछ बेसिक विटामिन यूज कर सकते हैं, जिसका सोर्स obviously या तो फ्रूट होगा या तो वेजिटेबल्स होंगे, ये यूज करें। और प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना आप पी सकते हैं आप पीजिए, वो आपके बॉडी से डिटॉक्स करने का काम करेगा, जूस वगैरह भी काम करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर।